Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy. Guys, can you hear me? Oh yes. So, I welcome all of you to this wonderful platform of an academy. And I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello, ji, hello. Kaise ho sab log? I hope you guys are doing fine. Guys, this newspaper analysis session, the Hindu newspaper analysis session, it happens regularly from Monday to Saturday, 11 to 11:45 ke beech mein ye session hota hai. Aaj थोड़ा मेरा लैपटॉप में इश्यू हो गया था, इसकी वजह से आई कुड स्टार्ट द सेशन लेट. लैपटॉप में हैंग हो रहा था, प्रॉब्लम था, तो इसलिए थोड़ा हाफ एन आवर लेट हुआ. बाकी रोज़ 11 टू 11:45 के बीच में ये सेशन हो जाता है रोज़, जो सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स के यूज़फुल हैं. इसके अलावा इफ़ यू गाइज आर अपियरिंग फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, UPSC या बैंकिंग एग्जाम वगैरह, तो भी आपको ये सेशन काफ़ी हेल्प करेगा फॉर प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स. और लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स तो इंग्लिश सेक्शन, लीगल रीजनिंग सेक्शन एंड करंट अफेयर्स, ये सभी में उनको हेल्प मिले, वैसा सेशन है ये. ठीक है, सो बस ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन आप लोग अच्छे से अटेंड कीजिए रोज़, और रोज़ अपने करंट अफेयर्स अपडेट कीजिए. तो बस आपको और टेंशन कुछ लेने की फिर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर एनालिसिस से बेटर सोर्स क्या हो सकता है गाइस, राइट? करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए तो बस रोज़ाना आपके करंट अफेयर्स अपडेट कर लीजिए मेरे साथ, ओके? इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती थी कि जो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस है, रोज़ अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स एक साथ जमा करके नहीं पढ़ा जा सकता है. तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो हमारी चैनल को, सिंपल सा काम है, और रोज़ नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फिर आपका सेशन एक भी मिस नहीं होगा, ओके? और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं तुम लोग से चाहती हूँ, ये मैं हक से मांगने वाली हूँ आप लोग से, ठीक है? दोगे या नहीं दोगे कंट्रीब्यूशन? बोलो यस मैम. तो गाइज अभी अपना फ़ोन उठाइए जल्दी से, शेयर बटन है वहाँ पे, क्लिक ऑन इट, पुट ऑन ए व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, पुट इट एवरीवेयर, लेट एवरीबडी नो अबाउट दिस फ्री सेशन. ये बिल्कुल फ्री वाला सेशन है जो बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, बहुत लोगों को बहुत सारे अच्छे वे में हेल्प कर सकता है. तो ज़रूर आप भी इसका कंट्रीब्यूशन कीजिए, इतना छोटा सा, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपके सारे सोशल मीडिया पे डालिए, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स, सबको पता चलेगा और किसी ना किसी को काम लगेगा, ठीक है? तो ये जल्दी से कर लीजिए. मीनवाइल मैं फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, और सिंस सैटरडे है, काफ़ी सारी नई अपडेट्स है जो आपको अन अकेडमी के बारे में बताऊंगी. तो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी. आई एम हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद IMS लर्निंग रिसोर्सेज. आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, वेयर आई टीच लॉ सब्जेक्ट्स टू CS एंड कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, एंड आई रियली लव इंटरेक्टिंग विद ऑल द लवली स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल एंड शेयरिंग माई नॉलेज. So that's me guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. Guys, ये जो platform है An Academy, ये जो platform है आज के तारीख में, I will say seriously, बहुत ज़्यादा अच्छा platform है. It's a wonderful, wonderful platform. सारे लोग, आप लोग इसे ज़रूर join कीजिए, seriously आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो An Academy learning app को download कीजिए from your app store or play store. ओके, एंड स्टार्ट यूजिंग इट. आपको दो टाइप की क्लासेस देखने को मिलेंगी ये प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस. पहले कुछ दिन फ्री क्लासेस देखिए, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस, ये सब दीजिए. आपको एक्सपीरियंस ये प्लेटफॉर्म का कैसा लग रहा है खुद ही जानिए, और फिर अच्छा आपको अगर एक्सपीरियंस लग रहा है तो फिर जाके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है? खुद से ही पहले चेक कीजिए. तो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस इज़ द बेसिक वन एंड आइकॉनिक इज़ एन अपग्रेडेड वन, ठीक है? और जब भी ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, और ये प्राइजेज है बेसिकली सब्सक्रिप्शन की, तो ये प्राइजेस पे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट अगर चाहिए तो मेरा कोड निधि लाइव यूज़ कर लेना फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट.
मैं इसका देखो आपको लिंक भी दे देती हूँ, इधर रुको, सीधा लिंक सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसमें मेरा कोड डाल के आपको मिल जाएगा, तो कोई आपको टेंशन नहीं। इधर कमेंट सेक्शन में मैं दे रही हूँ ये, ओके लिंक, ये लिंक से आप जा सकते हो। हाय शाश्वत, नहीं, छुट्टी नहीं था, लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया था शाश्वत। रुपसा, तनु, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ये आर क्लैट 2022 टॉपर्स। ये सारे लोग अन अकेडमी यूज़ करके इतना ऊपर आए हैं, और ये सारे लोगों ने टॉप एनल यूज़ में मेक किया है। सो आप भी कर सकते हो अन अकेडमी ज्वाइन करके। दीज आर सम बैचेस विच वी हैव स्टार्टेड दिस वीक एंड सम बैचेस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो येस्टरडे 8 जुलाई से ही एक बैच चालू किया है, सक्सेस लॉ, ठीक है। मैं निधि ध्रुव इसमें लीगल रीजनिंग खुद करा रही हूँ। मेरा लीगल रीजनिंग का स्क्रैच से पूरा हम लोग स्टार्टिंग से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर लूँगी, पूरा सिलेबस अच्छे से कराऊँगी, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एवरीथिंग इसमें, और मिसलिनियस लॉ, सब कुछ। 22 जुलाई से मेरे लीगल के रेगुलर लेक्चर्स एवरी थर्सडेज और फ्राइडेज़ को इसमें स्टार्ट हो जाएंगे अंडर दिस बैच, ओके। इवनिंग 6 to 7 1 घंटे का क्लास रहेगा। देन ये बैच एक और एक है जो क्लैट 2023 के लिए इंटेंसिव बैच चालू हो रहा है 14th of July से। इसमें भी अलग अलग एजुकेटर आपका अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवाएंगे। चैम्पियनशिप मॉक टेस्ट ये वाला कल होने वाला है 2 बजे, 2 बजे को ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए। एंड गाइस, हम लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट ला रहे हैं मोस्टली इन दिस मंथ ओनली, नॉट श्योर द डेट इज़ नॉट, वी हैव नॉट कम अप विद द डेट, बट मोस्टली यही मंथ में होने वाला है। 6 सिटीज़ में हम ऑफलाइन एडमिशन एंड स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपका क्लैट एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है, तो उसका भी प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो ये आप ज़रूर अपनी अपनी सिटी या अपनी नज़दीक की सिटी में जाके दीजिएगा। देन वर्चुअल टूर कराएंगे, इसका इंतज़ार तो आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स को होता ही है। तो दिव्या सर बैंगलोर, जिसकी जो कॉलेज है, वो सारे एडुकेटर्स हिसाब से आपको वर्चुअल टूर कराएंगे, राघविंदर सर एंड केशव सर, ओके। डेट्स आपको बताई है, टाइमिंग बताया है, और ये वर्चुअल टूर आपको कराई जाएगी। और आपकी ये कॉलेज ज्वाइन करने में कोई भी प्रोसेस में आपको असिस्टेंस चाहिए, तो दिस इज़ द नंबर ऑन विच यू कैन कॉल। गाइज, मेरी आज कौन सी फ्री क्लास होने वाली है वो समझा रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से अनाउंस कर रही हूँ, मैंने कम्युनिटी पे डाला था, टेलीग्राम पे डाला था इसके फीडबैक के बारे में, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉन्ट्स दिस। तो बैकलॉग की क्लासेस मैं कराने वाली हूँ। मैं कल भी ये बारे में, मुझे कोई स्टूडेंट पूछ रहा था और मैंने बताया हुआ था। तो बेसिकली दिसंबर 2022 में आपका क्लैट एग्ज़ाम होगा, और काफ़ी लोगों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट की है, किसी का आगे के मंथ का करंट अफेयर्स छूट गया है, और कोई कोई लोगों का हो गया है बट रिविजन चाहिए। तो ऐसे रीजन से सबको दिसंबर टू जून जितने मिस हुए करंट अफेयर्स उसको अपडेट करना है, तो उस करंट अफेयर्स को अपडेट कराने के लिए कि मैं बैकलॉग रिविजन क्लासेस आपके लिए लाई हूँ, ठीक है। जो 9 जुलाई से को आज रात को 8:30 to 9:30 मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है, पैसेज बेस्ड करवाऊंगी इसमें। एंड अन एकेडमिक क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल दी अपडेट्स, प्लीज ज्वाइन इट। एंड अन एकेडमिक क्लैट यूट्यूब चैनल जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हो, इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए और आपका एक भी सेशन मिस ना हो, ठीक है। हाय विनम्रा, हाय देवांश, यस देवांश, एक्चुअली मेरा लैपटॉप आज प्रॉब्लम हो गया था, लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा था, तो मेरा डाउनलोड ही नहीं हो रहा था आपका जो PDF वगैरह है, तो वो सब इश्यूज़ की वजह से थोड़ा लेट हुआ है आज। देवान देवांश इज सेइंग, मुझे तो वॉइस ठीक लग रहा है देवांश, देवांश को वॉइस लो लग रहा है क्या? सभी को लो लग रहा है मेरा वॉइस, बताइए ज़रा कमेंट करके गाइस। फिर क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना।
आई एम श्योर ये एक न्यूज़, इतनी खतरनाक वाली न्यूज़ आप सबने कल शाम को ही जान ली होगी, सबको पता चल ही गया होगा इस बारे में। तो देवांश आपके यहाँ से देख लो बेटा, कुछ इश्यू होगा ठीक है, आवाज़ तो ठीक लग रही है मेरी। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़। ये बहुत शॉकिंग एंड एकदम एक बड़ा ट्रेजेडी बोल सकते हैं हम लोग। कल मतलब सुनने के बाद मैं भी 5 मिनट तक ऐसे आई वॉज लाइक वेरी शैटर्ड एंड शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। तो फॉर्मर जापान PM शिंजो एब, जो काइंड ऑफ फेवरेट वन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट टाइप ऑफ PM थे जापान में, जिसे 7 साल सर्व किया है जापान में, लॉन्गेस्ट सर्विंग, इतना ज़्यादा साल किसी ने और ने सर्व नहीं किया है, उनका एसेसिनेशन हो गया, उनको किसी ने शॉट डेड किया। ओके तो ये जो सस्पेक्ट है, ही सेड ही हैड, जो सस्पेक्ट है जिसको अरेस्ट किया गया इसके लिए, ही सैड ही हैड अ ग्रज अगेंस्ट द शिंजोएब ओवर हिज लिंक्स विद पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ शिंजोएब जुड़े हुए थे और वो ऑर्गेनाइजेशन से उनको प्रॉब्लम था, वो सस्पेक्ट को, और उसकी वजह से उन्होंने शिंजोएब को मार डाला, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके तो फॉर्मर जापान PM शिंजोएब को एसेसिनेशन कर दिया गया, वो शॉट डेड, पीछे से उन पर गोली चलाई गई। दिस इज टू मच। देखिए बात करने के लिए लोग तो काफ़ी सारे चीज़ें भी फैलाते हैं, आई डोंट नो हाउ मच ट्रू दैट इज, बट बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, मतलब मैंने बहुत अपने आसपास सुना कि चाइना ने अटैक करवाया है। आई मीन नॉट चाइना के, मतलब ऐसे जिनपिंग ने नहीं, बट चाइना के कुछ लोग थे जो जिनके हिट लिस्ट में कुछ लोग हैं, उसमें शिंजोएब एक थे, और उनके हिट लिस्ट में मोदी जी भी है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं गलत न्यूज़ नहीं फैलाना चाहती, पर मैंने कहीं से ऐसा सुना है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। तो वो हिट लिस्ट में शिंजो एब थे और उन वैसे वो मारे गए, और मोदी जी भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा धक धक हो रहा है कि यार मोदी जी को कुछ नहीं होना चाहिए भाई, हमारे देश का क्या होगा। सो आप जब भी अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो, आप बहुत सारे दुश्मन बना लेते हो, तो ये इसका रिजल्ट है। हम इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड डेफिनेटली गाइस ये न्यूज़ लिखने वाली न्यूज़ है, मैं स्टार मार्क पुट कर रही हूँ, तो जो भी न्यूज़ स्टूडेंट्स हैं वो लोग जान ले दैट हम इधर नोट्स मेकिंग में भी आपको हेल्प करते हैं। तो कोई भी न्यूज़ की नोट्स बनानी है आपको या कौन सी न्यूज़ की नहीं बनानी है, मैं बताती जाऊँगी। तो बेसिकली जिसके बाजू में मैं इस तरीके से स्टार मार्क पुट करती हूँ, वो न्यूज़ की नोट्स आपको बनानी है, और वो न्यूज़ की जो हाइलाइटेड या अंडरलाइंड पार्ट है उसमें अंदर, वो आपको अपनी नोट्स में लिखना है। तो ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब, जापान्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, ही डाइड ऑन फ्राइडे आफ्टर बींग शॉट वाइल कैंपेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं अभी जापान में, और उसके लिए वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तभी उनको गोली से हत्या कर दी गई। अ मैन ओपन फायर ऑन मिस्टर एब, 67 ईयर्स के हैं मिस्टर शिंजो एब, इन पे ओपन फायर किया गया फ्रॉम बिहाइंड विथ एन अपेरेंटली, ऐसा बोला जा रहा है कि होम मेड गन था, घर पे गन बनाया गया था। एज ही स्पोक एट अ ड्रैब ट्रैफिक आइलैंड इन द वेस्टर्न सिटी ऑफ नारा, जापानीज मीडिया शोड अर्लियर। तो जब ये बात कर रहे थे कैंपेनिंग के लिए, लोगों को स्पीच दे रहे थे ड्रैब ट्रैफिक आइलैंड में, तो वहाँ ही उनको शूट डेड किया गया। इट वॉज़ द फर्स्ट एसेसिनेशन, कोई भी सिटिंग PM या फॉर्मर जापानीज PM का इस तरीके से कभी एसेसिनेशन नहीं किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, 1930s के बाद से अभी तक पहली बार हुआ है। स्पीकिंग बिफोर मिस्टर एब्स डेथ वॉज अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा कंडेम द शूटिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। तो अभी एट प्रेजेंट जो PM है फॉर्मर
फ्यूमियो किशिदा, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसे क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसा हम चला ही नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है। जापानीज़ पीपल एंड वर्ल्ड लीडर्स एक्सप्रेस शॉक एट द वायलेंस इन अ कंट्री। जापान जैसी कंट्री में इस तरीके का वायलेंस पे लोगों ने शॉक दिखाया है, पूरे वर्ल्ड ने इनफैक्ट। ऐसी कंट्री में जहाँ पॉलिटिकल वायलेंस रेयर है एंड गन्स बहुत टाइटली कंट्रोल किया जाता है, यूएस के जैसे खुलेआम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसी जगह पे ये हुआ। एंड शॉकिंग थिंग वाज इट वाज अ होम मेड गन, घर पे गन बनाई गई। फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल हैड सेड मिस्टर एब अपियर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ कार्डियक अरेस्ट व्हेन एयरलिफ्टेड टू हॉस्पिटल। तो वो तुरंत नहीं मर गए थे जब भी उनके पे गोली चलाई गई, जब भी उनको एयरलिफ्ट किया गया हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, तभी वो कार्डियक अरेस्ट वाले स्टेट में थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स इन नारा नेम द सस्पेक्ट एज अनएम्प्लॉयड 41-year-old टेत्सुया यामागामी। तो पुलिस ने उनका नाम बताया, ये 41-year-old के सस्पेक्ट है, टेत्सुया यामागामी। उन्होंने खुद नहीं बोला, हाँ मैंने हैंडमेड गन यूज़ किया था। दैट्स द सस्पेक्ट्स असर्शन एंड वी हैव डिटरमाइंड दैट द गन इज क्लियरली हैंडमेड इन अपियरेंस। सस्पेक्ट के अपियरेंस से भी लग रहा है एंड पुलिस को क्लियरली गन देख के पता चल रहा है कि हैंडमेड है। ऑल्दो आर एनालिसिस इज करंटली ऑन गोइंग, बट उनका जो भी उनको चेकिंग करना है वो सब अभी चालू है। एन ऑफिसर टोल्ड रिपोर्टर्स द सस्पेक्ट स्टेटेड दैट ही हैड अ ग्रज अगेंस्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सस्पेक्ट ने बोला एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उनको ग्रज था एंड शिंजो ए वो उनसे लिंक्ड थे, इसके वजह से उनकी मैंने हत्या किया। एंड ही बिलीव दैट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एब हैड अ कनेक्शन टू इट, द ऑफिसर सेड। बट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिस्क्लोज नहीं किया है सच अभी। द सस्पेक्ट हु एड्रेस पुलिस इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे टोल्ड ऑफिसर्स ही हैड वर्कड फॉर द मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। उनका जो भी इंटरोगेशन किया गया है ये सस्पेक्ट का, तो मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में मतलब जापान की नेवी में वो 3 साल तक काम कर चुके हैं, ऐसा बोला उन्होंने। जेल्स आर ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये डिटेल्स उन्होंने बताई है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये हमारी फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, प्लीज़ लिखिएगा इसे, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हमने कल के फ्रंट पेज पे देखा था कि जुबैर, मोहम्मद जुबैर का, जिन्होंने राहुल गांधी पे वो डॉक्टर्ड वीडियो बनाया था, उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और रायपुर पुलिस और यूपी पुलिस उनको बचा रही थी टाइम ऑफ, और बहुत सारी मल्टीपल एफआईआर उनके अगेंस्ट दर्ज हुई, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको इंटरिम बेल दिया है, मतलब केस पूरा फैसला होगा बाद में फाइनल डिसीजन आएगा, बट अभी के लिए बेल दिया है यूपी केस में, बट इज स्टिल इन कस्टडी इन दिल्ली केस। सो ऑल्ट न्यूज़ के ये जो इंसान है उनको नहीं, सॉरी, ये जुबैर है, ये ओ यस, रोहित रंजन नहीं है, रोहित रंजन ने सॉरी राहुल गांधी पे डॉक्टर वीडियो बनाया था, माय बैड गाइस, ये मिस्टर जुबैर है जो ऑल्ट न्यूज़ के जो एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर है, जिनको कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने की वजह से, ऐसे कमेंट्स देने की वजह से अरेस्ट किया गया था। यूपी के केस में उनको बेल मिली है, बट दिल्ली वाले केस में भी, दिल्ली में भी उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हुई है, तो उस वाले केस में उनको अभी भी कस्टडी में रखा गया है, तो अल्टीमेटली ही स्टिल इन कस्टडी। तो ये लिखना है आपको, आई एम सॉरी सॉरी, वो रोहित रंजन वाला केस था, उसके बारे में इधर नहीं बताया गया। महाराष्ट्र में जो सिचुएशन हुआ, बहुत सारे वे में कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा गया, ऐसा एलिगेशन उद्धव ठाकरे कर रहा है, ठीक है।
So governor can't recognize rebel MLAs, सेना टेल सुप्रीम कोर्ट. तो इधर मामला क्या है, क्या उद्धव ठाकरे बोल रहा है, मैं समझाती हूँ. देखिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके चीफ है. अभी उन्हीं के पार्टी में से मेजॉरिटी लोग निकल गए और एकनाथ शिंदे को जाके ज्वाइन कर लिया. ओके, अभी शिवसेना के अंदर ही दो पार्टीज बन गई, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जबकि उद्धव ठाकरे अभी भी उसके चीफ है ही. तो जो भी एमएलएज रिबेल एमएलएज हैं, वो शिवसेना के ही है, और शिवसेना और बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, ऐसा तो गवर्नर कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ ही उसके लिए मना कर रहा है, यू नो. तो उस चीज़ के बारे में गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन की है उद्धव ठाकरे ने. ठीक है, तो उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना ऑन फ्राइडे इन द सुप्रीम कोर्ट, अक्यूज महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी. तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी है, ही इज एक्टिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल मास्टर्स टू रिकग्नाइज 39 रिबेल एमएलएज ऑफ द पार्टी बाय इनवाइटिंग द लीडर एकनाथ शिंदे टू बी चीफ मिनिस्टर. तो उसको रिकग्नाइज कैसे कर सकता है, ये चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गए हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ सेना जो है, शिवसेना के प्रेसिडेंट अभी भी उद्धव ठाकरे हैं. देर आर नो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर. शिवसेना के अंदर के स्ट्रक्चर में मैंने कोई चेंज नहीं किए हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, ये बोला उन्होंने. एंड इट्स नॉट द गवर्नर हु डिसाइड्स हु इज द शिवसेना. गवर्नर कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे अलग हुए लोग शिवसेना है. दैट इज द डोमेन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मिस्टर देसाई सेड इन हिज प्ली. तो देखिए, जो एकनाथ शिंदे और दूसरे रिबेल एमएलएज हैं, वो लोग शिवसेना के नाम पे इलेक्शन का टिकट उनको मिला और उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो जीते हैं. तो इन केस वो लोग शिवसेना से बाहर अगर निकाल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बी दे आर नॉट गोइंग टू बी एमएलएज एनी मोर, राइट. तो वो लोग शिवसेना से बाहर जाने का तो बोल ही नहीं सकते हैं, बराबर. बट वो लोग अभी शिवसेना के साथ प्रेसिडेंट के अगेंस्ट गए हैं, तो उन्होंने शिवसेना का पार्ट वो अभी भी है, ऐसा कैसे भगत सिंह कोश्यारी मान सकते हैं. ही सेड मिस्टर शिंदेज फैक्शन हैड नीदर मर्ज्ड विद एनी पार्टी नॉर फॉर्म्ड अ न्यू आउटफिट. तो खुद का एक नया पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनाया है, ना ही दूसरी पार्टी के साथ मर्ज किया है. तो इस तरीके से कैसे उनको रिकग्नाइज किया जा सकता है, और नाइदर अलाइन नॉर सपोर्टेड बाय द बीजेपी. मिस्टर ठाकरे हैज़ नाइदर, ना ही उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया है, ना ही उनके इनको सपोर्ट किया है. उद्धव ठाकरे जो प्रेसिडेंट है शिवसेना के, उन्होंने नहीं किया है. तो हाउ कैन एकनाथ शिंदे वाला चीज़ चल सकता है. अ गवर्नर्स डिस्क्रेशन टू इनवाइट अ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट एन अनट्रैमल्ड ऑन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटीरियल. तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से ये लोग नहीं अपॉइंट हुए हैं, ऐसा उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में यू नो बता रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं. 11 जुलाई को इसकी सुनवाई होने वाली है गाइस. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे चाहिए आप लोग लिखिए इसके अंदर जितना हाईलाइटेड पार्ट है, प्लीज़ लिखिएगा. देखिए, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि पार्टी सिंबल अभी भी हम लोग के पास ही है, हम ही शिवसेना है, हम ठाकरे फैमिली ही शिवसेना है, इट्स गोइंग टू रिमेन विद आज. उद्धव ठाकरे ने असर्ट किया है ये. शिवसेना चीफ सेज लेजिस्लेचर पार्टी एंड रजिस्टर्ड पार्टी आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज. तो शिवसेना का जो लेजिस्लेचर पार्टी है, मतलब शिवसेना के जितने एमएलएज हैं और उस हिसाब से जो लेजिस्लेचर पार्टी बनता है, वो अलग चीज़ है, और रजिस्टर्ड पार्टी दो अलग चीज़ होती है, ये उद्धव ठाकरे ने बहुत क्लियरली बताया है. तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये सारे हमारे फ्रंट पेज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुए. आगे के पेजेस पे देखते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. हाय आनंद, हाय अपर्णा, हाय अनुभव, थैंक यू अनुभव, हाय आर्यन, हाय अननोन पर्सन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. तो गाइज, हम आ चुके हैं हमारे एडिटोरियल पेज पे, और
देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. बीटिंग द हिट, कल के हमने न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ही देखा था कि किस तरीके से मॉनसून्स आर इवन मोर वार्मर देन समर. तो उस बारे में थोड़ा इधर बताया गया है, क्विकली थोड़ा देख लेंगे इसे हम. ओके, द स्टेडी राइज इन द प्लैनेट्स एट टेम्परेचर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज अनफेटर्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर्म्स, द बैकड्रॉप टू ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न एवरीवेयर. जितने हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा विटनेस कर रहे हैं और हर जगह ये देखने को मिल रहा है. इंडिया टू हैज़ बीन रजिस्टरिंग इंस्टेंसेज ऑफ एनिमलस वेदर विथ अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी विथ एन एरेटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन. तो बहुत ख़राब क्लाइमेट है डेफिनेटली, हम इंडिया भी विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर मानसून, कोस्टल इरोजन, ये सारी चीज़ हो रही है. हावे सम रीसेंट चेंजेस आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल, पर अभी रीसेंट कुछ चेंजेस जो देखने को मिले हैं वो ज़्यादा ही वरसम है. एनालिसिस एक किया है पब्लिक वेदर डेटा का ओवर लास्ट हाफ अ सेंचुरी, लास्ट 50 साल में जो पब्लिक वेदर डेटा जमा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने, CSE ने, उन्होंने सजेस्ट किया है दैट ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग मानसून मंथ्स दैट इज जून टू सेप्टेम्बर इज हायर देन समर मंथ्स मार्च टू मे. तो मार्च अप्रैल मई में जो समर मंथ होते हैं उसके मुकाबले अभी मानसून में जून जुलाई अगस्त सितंबर में ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है. मानसून टेम्परेचर्स आर 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर्स व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 1951 टू 80s. तो मानसून टेम्परेचर समर टेम्परेचर से भी बड़ा है. 1951 टू 80 वाला डेटा देखिए उस हिसाब से 0.3 डिग्री सेल्सियस जितना बड़ा है. इन 2012 टू 2021 दिस एनोमली रोज टू 0.4 डिग्री सेल्सियस. द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड दैट इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन 0.62 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1901 टू 2020. बट द CSE एनालिसिस सेज सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज ऑन दीज लाइन्स. ओके, तो गाइज एक सेकेंड, बेल बजी है, अगर कोई नहीं आई विल हैव टू ओपन. एक मिनट में मैं वापस आती हूँ. ओके गाइस, आई एम बैक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो आई वाज सेइंग मॉनसून टेम्परेचर्स आर 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर. पहले के 1951 टू 80s के डेटा हम कंपेयर करें तो उस मुकाबले ऐसा लग रहा है. ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड दैट इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन. टोटल हमारा इंडिया का पूरा एवरेज टेम्परेचर देखे तो 0.62 डिग्री सेल्सियस जितना बड़ा है 1901 से 2020 के बीच में. बट CSE एनालिसिस, CSE मतलब हमने अभी देखा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उनका एनालिसिस बोलता है सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज ऑन दीज लाइन्स. ऐसा बोलता है कि यूनिफॉर्म राइज टेम्परेचर में अक्रॉस सीजन्स रहा है, यूनिफॉर्म राइज रहा है टेम्परेचर्स में सारे सीजन्स में, मानसून हो या विंटर हो, सब में गर्मी तो बढ़ी ही है. इट्स विंटर जनवरी एंड फेबररी एंड पोस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर एवरेज ऑल इंडिया टेम्परेचर्स दैट हैव राइजन फास्टर देन इवन द मानसून एंड समर टेम्परेचर्स. समर में तो चलो गर्मी रहती है, मानसून में तो बढ़ा है. और ऐसा बोला जा रहा है कि पोस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर टू नवंबर दिसंबर में भी बढ़ा है एंड विंटर्स में जनवरी फेबररी में भी बढ़ा है. मतलब हर सीजन में टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही नोटिस हुआ है इतने लास्ट 20 सालों में. एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स इन मार्च वॉज 30.7 डिग्री सेल्सियस. तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो है गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये सब ये एरिया में
वहाँ 30.7 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज टेम्परेचर, ओके, जबकि ऑल इंडिया एवरेज वॉज 33.1 डिग्री सेल्सियस और 2.4 डिग्री सेल्सियस हॉटर. तो ऑल इंडिया में 33.1 डिग्री सेल्सियस से जितना रहता था या 2.4 डिग्री सेल्सियस हॉटर रहता था. द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर शोड एंड इवन लार्जर 4.9 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस. सो एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिला है. सो सेंट्रल इंडियाज नॉर्मल मैक्सिमम वॉज 2.2 to 7 डिग्री सेल्सियस हायर. सेंट्रल इंडिया इंडिया में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस जितना हायर देखने को मिलता था. साउथ में 4 to 10 डिग्री सेल्सियस हायर देखने को मिलता था देन कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया. बट वो सब अभी इक्वेशंस चेंज हो चुके हैं. ओके, द शैटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड इज ओनली वन पार्ट ऑफ चेंजेस. देर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ द टोल ऑन लाइव्स. और इतने हीट वेव्स आते हैं या ठंडी भी कभी इतनी बढ़ जाती है अचानक से कि लोग मर जाते हैं. बहुत सारे लोग मरने के भी हमने नंबर्स देखे हैं. ठीक है, फ्रॉम 2015 to 2020 2137 पीपल हैव रिपोर्टेडली डाई ड्यू टू हीट स्ट्रोक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. बट सदर्न इंडिया हैड रिपोर्टेड 2444 डेथ्स ड्यू टू एक्सेस एनवायरमेंट हीट. तो बहुत हीट के वजह से इतने लोग मरे हैं. आंध्र प्रदेश अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटीज. फिर मॉनसून भी सीवियर होने के लिए वजह से मरे, वो सब तो अलग, बट ये सब सिर्फ हीट वेव्स के नंबर्स हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, डिस्टर्बिंग है. बट हमें इसको बस ओवरऑल एक आइडिया रखना है हमारे खुद के अच्छे के लिए कि हमें किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए, हमें खुद को एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए कुछ करना चाहिए. राइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़, देखिए फ्लड्स वगैरह में जो लोग मरते हैं वो सब तो अलग ही. आसाम में इतने लोग मर गए, मणिपुर में लैंडस्लाइड्स में मर गए. अभी अमरनाथ यात्रा जो चल रहा है उसमें कश्मीर में जो कैंप्स में लोग रह रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आए वहाँ भी और 13 लोग मारे गए. डजन्स मिसिंग है नियर बलताल बेस कैंप इन सेंट्रल कश्मीर. रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. तो दिस इज़ बैड, वेरी बैड क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट हम नेचर नेचुरल डिजास्टर्स को फेस कर रहे हैं. राइट, सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन वाले केस के लिए ये बता दिया है. कल उसका उनका भी सुनवाई था. उन्होंने बोला है कि डोंट टेक कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट टीवी एंकर. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई कोअर्सिव एक्शन ज़बरदस्ती मत करो इस केस में उनके साथ. तो ये सारी चीज़ लिखनी नहीं है, ध्यान रखिए. G20 मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हो रहा है G20 का बाली में, उसमें सबसे बड़ा मेन टॉपिक मुद्दा तो रशिया वाला ही है. तो डिफरेंसेस ओवर रशिया, रशिया का जो स्टैंड है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है यूक्रेन वॉर करके, उसमें लोगों के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पूरा G20 मीटिंग उसी से डोमिनेटेड है. मतलब वो ही टॉपिक चल रहा है वहाँ पर. डिविजन्स अमॉन्ग द कंट्रीज वर विजिबल एज द US एंड रशिया ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द क्राइसिस. तो US और रशिया दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया क्राइसिस के लिए. चाइना और दूसरी कुछ कंट्रीज सपोर्ट करती है रशिया को. हम न्यूट्रल टाइप है, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज है जो बोलती है कि रशिया ने बिल्कुल गलत किया. तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पूरा है, पूरी मीटिंग में यही दिखा. दैट्स वॉट दिस न्यूज इज ट्राइंग टू से. हालांकि ये भी लिखना नहीं है, ये एक न्यूज लिखनी जैसी है गाइज, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच 13,000 करोड़, ऑफिशियल्स ने ये बोला. तो डिफेंस का हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं. पहले हम लोग कंप्लीटली इंपोर्ट करते थे. हम अभी इन हमारे भारत में ही हम डिफेंस की चीज़ें बनाते हैं हमारे यूज़ के लिए और लोगों को भी एक्सपोर्ट करते हैं. 13,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट टच किया है. 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स हैविंग एप्लीकेशन इन द सेक्टर विल बी लॉन्च्ड, डिफेंस मिनिस्ट्री सेज दैट. सो 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट हैविंग एप्लीकेशन इन सेक्टर, ये डिफेंस सेक्टर में हेल्पफुल हो वैसी लॉन्च की गई है, जो हमारे डिफेंस में एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं. ठीक है,
हाउ शिंजो एव रिस्टोर जापान्स ग्लोबल स्टैंडिंग. 7 साल तक जापान को सर्व किया एज अ पीएम, और उन्होंने उस उनकी करियर में, पूरे पॉलिटिकल करियर में क्या क्या किया, ये पूरी जानकारी इधर दी गई है. आपको एक बार रीड करने को ये मैं बताना चाहती हूँ कि रीड कीजिएगा, पूछ सकते हैं आपको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ ऑफ द ईयर, मतलब समथिंग वेरी बिग. ओके, एंड बिजनेस और स्पोर्ट्स न्यूज़ में तो कुछ खास नहीं करना है आज गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी वन. सो हाई पिंकी, हाय अपना छोटा भाई, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी. बट वी आर ऑलमोस्ट बस डन विद द सेशन. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज़ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरी वन.